पूरे रॉकी एपिसोड में ब्लडलाइन की इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। क्या कॉडी का मास्टर प्लान रेसलमेनिया में सक्सेसफुल हो जाएगा? तो गाइस, रिसेंट रॉकी एपिसोड में सोलो सिकोवा और कॉडी रोड्स का मैच हुआ और इस मैच के लिए हम सब ज्यादा एक्साइटेड थे। इस मैच से पहले पॉल हैमन का इंटरव्यू लिया गया था और पॉल हैमन ने कहा था कि आज कॉडी रोड्स की सारी अकड़ निकाली जाएगी। हम उसको बता देंगे कि वो खुद रोमन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है और जिस दिन वो हारेगा उस दिन से अफसोस होगा कि ट्राइबल चीफ से टकराने का अंजाम क्या होता है। इन सब स्टेटमेंट के बाद केविन और सैमी की भी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है जिसमें वो दियूसोस को खुलेआम वार्निंग देते हैं। फिर सोलो सिकोवा और कॉडी का मैच होता है और इस मैच में सोलो की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया थी। ऐसा लग रहा था कि सोलो अगर थोड़ी और मेहनत करें तो वो कॉडी को हरा सकते हैं, मगर मैच के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं दियूसोस और सोलो सिकोवा भी अपना फिनिशर मूव कॉडी रोड्स को लगा देते हैं, मगर इसके बावजूद भी कॉडी रोड्स नहीं मानते और वो मैच को पकड़ बनाए रखते हैं। फिर मैच में आ जाते हैं केविन ओवेंस और सैमी जो दियूसोस को वहां से भगा देते हैं। फिर कॉडी अपना मूव लगाकर मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। तो गाइस, ऐसा लग रहा था कि कॉडी रोड्स ने सारी प्लानिंग रेसलमेनिया के लिए करके रखी होगी। जब वो मैच में डाउन पड़ेगा उसकी मदद करेंगे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन। और रॉकी एपिसोड में ही हमें सबकी इंटरफेरेंस देखने को मिल गई है, तो क्या रेसलमेनिया में और कुछ प्लान बनाकर आएंगे कॉडी रोड्स और रोमन रेंस? और कॉडी रोड्स के मैच से पहले होगा दियूसोस और केविन सैमी ज़ेन का टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जिसके बाद हमें पता चलेगा पलड़ा किसकी तरफ भारी है। अगर मैच में दियूसोस की जीत होती है तो वो जरूर इंटरफेरेंस करेंगे रेसलमेनिया के मैच में। और रोमन ने भी ये सोच लिया होगा कि अगर कॉडी केविन और सैमी का सहारा लेगा तो उसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। मगर यहाँ पर एक और बात जो नोटिस करनी चाहिए वो है कि क्या अगली स्टोरी लाइन सोलो सिकोवा और कॉडी रोड्स के बीच में हो सकती है, क्योंकि इनकी भी कॉन्ट्रोवर्सी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और एपिसोड के लास्ट मोमेंट में पॉल हैमन ने रोमन को मैच का रिजल्ट बताया था, वो शायद रोमन अपनी प्लानिंग बनाने वाला है मैच को लेकर। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या रेसलमेनिया में भी सबके इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।